मियां शेर मोहम्मद सलपुरी रहमतुल्लाह अलैह शेर रब्बानी से कोई भाभी झगड़ा कर रहा था हयात अंबिया अलैहि सलाम के बारे में कि वो कब्र में जिंदा नहीं होते। आपने फरमाया वो तो शान बड़ी रखते हैं, तू उनके गुलामों की शान नहीं समझता कि मतलब क्या होता है। तो वो कहने लगा मुझे दलील दो। मियां साहब ने कहा जिस दिन मेरी रूह निकलेगी उस दिन जब जनाजा तैयार होगा पहली सफ में जो दाईं तरफ आके जनाजा पड़ेगा वो तुझे दलील दे देगा। मियां साहब का विसाल हो गया, जनाजा तैयार हो गया, सफें बन गई। ये मुनकर इंतजार में था कि पहली सफ में दाईं तरफ कौन खड़ा होता है। इतने में एक सर लपेटे हुए शख्स भी आ गया, जनाजे में शरीक हो गया। जो ही सलाम फिरा उसने वहीं से चेहरा फेर के साइड पे चलना शुरू हो गया। ये पीछे दौड़ा कि मियां साहब ने वादा किया था एक मसले का कि जो इधर से आके जनाजा पड़ेगा वो जवाब देगा, तुम जवाब देके जाओ। मियां साहब दुनिया से चले गए, जवाब तुमने देना है, तुम जल्दी निकल रहे हो, ठहरो मुझे जवाब दो। वो शख्स चलता गया आगे जाके वो शरीफ के बाहर जब नाला आ जाता है ये दौड़ के मोड़ना चाहता था कि रुको जवाब दो। वहां पलट के उस शख्स ने देखा तो चेहरा शेर रब्बानी का था। उसको पता चला कि जनाजा जिनका है वो भी शेर रब्बानी है, पढ़ने वाले भी शेर रब्बानी है। हत्ता के मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में जब कुछ ताबईन के दौरान एक बंदे ने आके लुच तल्ला कह जी जब अब्दुल्लाह इब्ने मसूद हमारे पास आए थे जंगे सिफीन के मौका पे तो उन्होंने हमसे एक हदीस बयान की, तो वो ताबईन कहने लगे अब्दुल्लाह इब्ने मसूद तो 33 हिजरी में फौत हो गए थे और जंगे सिफीन हुई है 37 हिजरी में, ये अपने मरने के 4 साल के बाद अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क्या कब्र से निकल के आके हदीस बयान कर गए थे? ना, पहले नहीं सन लोग कब्रां तो निकलते। हाँ उस बाद बशकारले बुजुर्ग निकलना शुरू हो गए कहानियां, उड़ भी नहीं निकलते अल्लाह फजल इस प्लेटफॉर्म की बरकत, उड़ भी डर गए उड़ नहीं निकलते, यानी कहानियों में निकलते थे फिजिकली तो पहले भी नहीं कभी निकले। बीच में थोड़ा सा पीरियड आया था, अब दोबारा नशत सानियाँ शुरू हो चुकी।